step sister, as Rajita ji already told you guys. So it's a very beautiful character, and so the beauty of this character is because she's very headstrong, but she's not rigid. You know, she is accepting each and everything and incident which is coming. You know, she's not rigid. Like, she is not a follower. She's a believer. So she believes her own things, but she's open to everything. So this was a very, very challenging character. I've got, a lot of briefs, and I've got a lot of references also. She is like that, but she's definitely not like that. So when they briefed me the character, I was like, oh my God, how am I going to play that? But I think, of course, challenges always attract you. So this character attracted me also, and here I am playing Gitanjali. You guys will love her, trust me. Okay, so I'm interrupting here. I was thinking of introducing him separately, but I think it'll be nice if he can also add in about the characters. That's our director, Santaram Verma. Please welcome him on the stage. Okay, so he will talk about it later. So yeah, over to Abhimanyu. Hi, good evening. क्या जानना चाहते हैं आप मेरे कैरेक्टर के बारे में, ये बताइए. मैम क्या बोलूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि ये शो एक बहुत ही स्पूकी शो है, और जो कि आपको हर हफ्ते रोंगटे खड़े कर देगा, और हर हफ्ते आपको इंतजार रहेगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में से क्या होने वाला है. और अभिमन्यु का कैरेक्टर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है. और उसके साथ साथ ये एक पैशनेट लवर है, इंटेंस लवर है, और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि 25 फरवरी से टेलीविजन में रोमांस की डेफिनेशन चेंज होने वाली है. और हाँ, और गीतांजलि और अभिमन्यु की लव स्टोरी के दौरान वो दोनों किस राह में, गीतांजलि कैसी मोड़ पे आती है, किस मोड़ पे आती है, जहाँ पे उसे ये बिलीव करना मुश्किल होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल है, क्या अनरियल है, ये बेसिकली दोनों की लव स्टोरी है. और थैंक यू स्टार, थैंक यू स्फेयर, मुझे इस कैरेक्टर को निभाने के लिए मौका दिया. थैंक यू सो मच. बड़ी ऐसी लीनियर सी कहानी होती है किसी भी शो की. हमारे यहाँ हर एक कैरेक्टर डिफाइंड है, हर एक कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक कैरेक्टर एक अपना अलग अंदाज और एक अपना एक ट्विस्ट लेके शो में आया है. तो मैं वेरी हैप्पी विद दैट. जैसे हॉलीवुड शोज में होते हैं या जो फॉरेन शोज में होता है कि कैरेक्टर ड्रिवन शोज होते हैं, वैसे एक शो है. पहली बार आई थिंक स्टार प्लस पे इस टाइप का शो ट्राई आउट किया है, और रिजल्ट्स जो हमने देखे हैं अभी तक वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं. एक अलग पहल है. सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट द शो. ट्विस्ट एंड टर्न्स, मिस्ट्री पे मिस्ट्री. कभी वो कैरेक्टर ग्रे है, कभी ये कैरेक्टर ग्रे है, कभी ये ब्लैक है, कभी एक रोमांटिक एंगल है कहीं. तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. हर हफ्ते जैसा कि शोएब ने कहा कि हर हफ्ते आपको इंतजार रहेगा कि अभी इस हफ्ते क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न है, किसका राज खुलने वाला है, क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहेंगे. सो प्लीज वॉच कोई लॉट क्या है फ्रॉम 25th ऑफ फरवरी. आई थिंक इस शो के बारे में हम सब काफी कुछ मोर और लेस सेम पेज पर हैं, और वही बात शायद मैं भी दोहराऊंगी. शो काफी एक्साइटिंग है, थ्रिलर है, और इस शो की मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक खास बात ये लगी कि इसमें जो भी किरदार है, एज शरद सेड, वेरी वेल डिफाइंड है, और लिमिटेड ही किरदार है, और हर किरदार का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कहानी में, और हर किरदार सिर्फ ब्लैक व्हाइट ग्रे ऐसा कुछ नहीं है. यू रियली डोंट नो कि आज ये किरदार जो जैसा है वो कल क्या वो यही राह पकड़ के चल रहा है या कुछ और सरप्राइज देने वाला है. और हर हफ्ते कहीं ना कहीं ऑलवेज देयर विल बी ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग दैट ऑल्सो फॉर अस एज एक्टर्स कीप्स अस ऑन द एज. वी आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग आर सेल्व्स, वी आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग आर क्रिएटिव सेल्व्स, एंड ऑल्सो पुशिंग आर सेल्व्स दैट कैन वी सरप्राइज द ऑडियंस, कैन वी डू समथिंग
which we have not done earlier? Can we not repeat what we have done earlier? So I think this whole package kind of is very exciting. We as actors are excited, as a team we are excited, and I hope you guys are equally excited when you watch it. Oh my god. मेरा कैरेक्टर मिस्टीरियस है, इतना मिस्टीरियस है कि मुझे खुद नहीं पता वो क्या है. राइटर मुझे बता नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मिस्टीरियस है और मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगी ताकि तुम ओवर एक्टिंग ना करो. तो इसलिए मैं ज्यादा पूछती नहीं हूँ उनसे, मैं रेत में से उभरती हूँ और रेत में गायब हो जाती हूँ. बट इट्स ग्रेट फन बीइंग ऑन द शूट. इट्स लवली टू सी द एनर्जी ऑफ ऑल द एक्टर्स. And it's also great fun to see that television is on such a large scale today. You know, everything is so big. It's like you're on a film set. So I'm very happy to be here with all these lovely people. And the writer is going to slowly reveal the mystery to me. Where is she? She's also hiding. So thank you all for coming this evening. And it's lovely to see you all again. Thank you. Hello, good evening. Hi, I'm Shaleen and I'm playing the character of Major Rajveer. Well, Bob, as Rishi's described the character of Rajveer very brilliantly, so there's absolutely nothing that I can actually add on to that, because I think it's a very well-defined character like every other character is. Before I actually speak about my character, I would first like all of you to give a big round of applause to Star Plus for trying something new. Big round of applause to Star Plus. Big round of applause for Spare Origins and a lovely writer duo here. Can I have a big round of applause for the writers here, please? Yeah, alright. Thank you so much, ma'am, for the character that you've given me. About the character, well, as it's always said, ki har ek aadmi ka ek driving force hota hai life mein about a particular aim or something that he would want to achieve. I think this character has very clearly in the recent times has ek dialogue bahut famous hua hai ki ek tarfa pyar ki taakat aap log shayad samajh nahi sakte. Ye auron ki tarah और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बनता, सिर्फ मेरा हक है इसमें. तो आई थिंक दिस क्लियरली डिफाइंस माय कैरेक्टर. आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस ब्यूटीफुल यंग लेडी एंड आई हैव ऑलवेज डन व्हाटएवर आई कैन टू मेक टू सी हर हैप्पी, टू सी दैट शी सेफ एंड टू ऑल्सो मेक श्योर दैट शी इज देयर एंड आई एम देयर व्हेनेवर शी नीड्स मी. सो आई थिंक एवरी अदर कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली रिटन एज मच एज इट्स फॉर मी. तो मुझे बहुत खुशी है शो का एक हिस्सा बनने में, और आई जस्ट होप कि 25 फरवरी के बाद आप लोगों को उतना ही मजा आए ये शो देखने में जितना मजा हमें आ रहा है इसे लिखने में, पढ़ने में और शूट करने में. थैंक यू. हाय, आई थिंक एक शो टेलीविजन में आने वाला है विद अ बंच ऑफ सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स. लाइक सीरियसली, दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. और हाँ, मैं शी इज माई रोल मदर. But ये in the show, yeah. तो in the show she is my role mother, I'm the only kid. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से प्यार नहीं मिलता है इस घर में, ना मेरी बहन से, ना भाई से, ना जिससे मैं प्यार करती हूँ लाइफ में, ना उससे, ना मेरी मम्मी से. So she has got her own journey with lots of struggle, and it's a very very different character. I haven't played such a character in my career as of now. So I'm very excited to play it. Let's see. Okay, finally I'd like Mr. Santam Verma to speak a few words. A big round of applause. Okay, sorry. He's saying that he only says action on the sets and he wouldn't want to speak much. So maybe let his action speak to you. I hope that you all like this show. And I would specially like to thank Star Plus family for being extremely supportive towards this endeavor. This was not a show that could have been slotted into any genre, yet they liked and they supported and they, you know, really encouraged us to go ahead and tell this story. Now the viewers' verdict is still remaining, but I would like to thank Mr. Gaurav Banerjee, Mr. Deepak Chhabria, Richard Malik, Ananya Datta, and all of their OAP team, their marketing team, their PR, they're lovely. They've been extremely supportive, and you know, it's been a fantastic time working with them. Thank you. Thank you so much. Thank you, lovely people. Please welcome.
अरे काय आ गया मेरा यार कटक काय हम खराब हो गए हैं। हां मैं गीतांजलि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि राजस्थान की एक पढ़ी लिखी लड़की है एंड शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली और शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन बट हम उसको एक अक्खड़ और ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग लड़की नहीं बोल सकते यू नो शी फ्लोज लाइक अ वाटर मतलब हर सिचुएशन में वो ढल जाती है बिकॉज शी इज़ क्लियर इन हर हेड कि अगर कोई सिचुएशन है हम एकदम आंखें बंद करके उससे कट नहीं सकते इफ़ वी आर इन अ सिचुएशन वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन बट वो जो उसकी आइडियोलॉजी है या जिन चीज़ों वो जो भी मानती है ना वो पूरी शिद्दत से मानती है एंड वही इस कैरेक्टर की खूबसूरती है दैट कुछ भी होता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसा तो नहीं हो सकता शी इज़ ओपन टू एवरी सिचुएशन एंड फिर वो हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेती है जो आ गया है अभी मैं सिचुएशन को लाइक गीतांजलि सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी तो वो वैसे काम करती है और मेरा कैरेक्टर है अभिमन्यु का जो कि एक आर्मी ऑफिसर है और सोफिस्टिकेटेड है एजुकेटेड है और उसके साथ साथ मैं बस अभी इतना ही कह सकता हूँ कि एक पैशनेट लवर है इंटेंस लव स्टोरी है दोनों के बीच में गीतांजलि के लिए उसका प्यार ऐसा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है आई एम श्योर इसके बाद लोग जैसे हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि टेलीविज़न में रोमांस की परिभाषा चेंज होने वाली है लोग मिसालें देंगे गीतांजलि और अभिमन्यु के रिलेशनशिप की उनकी केमिस्ट्री की उनके इंटेंस लव की ऑफकोर्स दैट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई एक्साइटमेंट एंड द रीज़न बिहाइंड आई हैव साइंड द शो बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ सुपर्ब प्लेटफॉर्म बिकॉज द स्टार इज़ अ चैनल ओनली यू नो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड शोज़ लेके आते हैं एंड ऑफकोर्स इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो जो कि बहुत ही मेहनत के साथ उसके एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं ब्रिलियंट टीम ऑफ राइटर्स डायरेक्शन डिपार्टमेंट सो गुड सो इज़ द कैमरा डिपार्टमेंट एक्टर्स की इतनी बढ़िया टीम है सो जब सी इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क जब इतनी अच्छी टीम यू नो एक प्रोजेक्ट में काम करती है तो ऑफकोर्स जो रिजल्ट है वो तो अमेजिंग ही होगा बहुत अच्छा लग रहा है बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे एंड हर कोई अपने कैरेक्टर को पकड़ने में इस वक्त इतने अच्छे से लगा हुआ है कि हमें सच में ऐसा लगता है यू नो कि यार ये परफेक्ट है इस कैरेक्टर के लिए इट्स जस्ट लाइक दैट और एक होता है ना कि सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके आपको हमेशा मजा आता है और आप उसको एक नेगेटिव वे में नहीं लेंगे नहीं लो उसको अगर पॉजिटिव वे में लो कि उनको देख के हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार नहीं हमें भी करना है उनके साथ कर रहे हैं अच्छा करना है ये करना है वो तो हम लोग उस चीज़ में लगे रहते हैं ऑफ स्क्रीन भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कैरेक्टर को लेकर और मस्ती भी बहुत करते हैं तो मज़ा व्यूअर्स के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोगों ने बहुत मेहनत की है कर रहे हैं अब बस आपके ऊपर है कि आपका प्यार चाहिए हमारी मेहनत आपका प्यार मिल गया समझ लो हमारी मेहनत सफल हो गई Absolutely, Ditto. मैं यही बोलना चाहूँगी कि guys, just keep loving us. We need all your support. और ज़रूर देखिए ये शो जो कि आपको definitely entertain करने वाला है Thank you. क्या रोलिंग ऊपर करेंगे या मैं पकड़ूं पकड़ लेंगे वो ऊपर ले लेंगे रोलिंग तो सबसे पहले आपके किरदार के बारे में पूछेंगे जी तो बताइए आपके किरदार देखिए आर्मी ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्टली एक डिसिप्लिन जिंदगी जीता है पहले इसकी प्रोफेशनल लाइफ फिजिकली बहुत फिट है बहुत शार्प है बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत जल्दी इसको फौज में तरक्की मिली है मेजर बन गई राजपुताना राइफल्स के ऑफिसर और बहुत ज़्यादा उसूलवादी है he loves his country he loves his army and he respects the Indian army personally he loves a girl from childhood one sided love because she knows he loves her but he knows that she doesn't love him
करता रहा शादी हुई किसी और की हुई फिर भी प्यार करा और उसके साथ सिर्फ इसीलिए रहा ताकि वो किसी तरह से उसको कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर हिम हिज लव इज़ दैट शी शुड बी हैप्पी एंड फॉर उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं तो क्या आगे ये जाना मिलेगा कि कहीं ना कहीं गीतांजलि और आप मतलब मिल जाएंगे ऐसा देखिए एक अभी गाने की बहुत ही अच्छी लाइन थी कि कई बार ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्यार या दो प्यार करने वाले मिले और सम लव स्टोरीज आर गुड व्हेन दे हैव हैप्पी एंडिंग सो आई कांट रिली से वो देखना पड़ेगा आप लोगों को बट रिवेंज वाले किरदार जो मिला है लेकिन इसमें क्या आपको डिफरेंट लगा है क्योंकि इसमें मेरा कोई रिवेंज नहीं इसमें इस लड़के का सिर्फ एक कि इसको जिस लड़की से मोहब्बत है कि उस लड़की के लिए जी रहा है ये उस लड़की को खुश देखना चाहता है चाहे उसके लिए वो किसी भी लेवल पे जाए बट ही वॉन्ट्स टू सी दैट गर्ल हैप्पी सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई पोर्ट्रेड बट या गुस्सा आता है इसे भी बहुत खून गर्म बट अ लॉट ऑफ एक्शन लॉट ऑफ रोमांस लॉट ऑफ इमोशंस इन द होल शो एज टुगेदर यार मैंने दो तीन साल का गैप क्या लिया आप लोगों को लगा कि मैं कोई काम नहीं कर रहा क्या आजकल नहीं नहीं ऐसा नहीं है बट हाँ उन लोगों ने बहुत अच्छा था क्योंकि सब ने अपने अपने जोन्स में काम किया है सुरभी ने कबूले किया है मैंने अर्जुन किया है हम दोनों सबसे न्यू है टेक्निकली हम दोनों सबसे जूनियर एक्टर्स हैं इस पूरी कास्ट में हो सो या देखिए शो में दो जूनियर एक्टर्स और काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें हमारे काम को सराहिए हमें मौका दीजिए कि हम आपको एक अच्छा सा शो दिखा सकें दैट वी ग्रो ऑन यू दैट यू लव बाई यू जस्ट कीप द शो जस्ट मेक श्योर दैट यू लव द शो लेट इट ग्रो ऑन यू एंड देन टेक अ वर्ड एंड प्लीज़ लव एज द कैरेक्टर आदि थैंक यू कोई लौट के आया है क्या आता है दिमाग में सी कोई लौट के आया है शैडो क्या आता है दिमाग में सस्पेंस डर थ्रिलर कौन लौट के आया है बताओ कौन लौट के आया है आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं काव्या का किरदार प्ले कर रही हूँ और मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ और एज़ हर छोटे लोगों को घर में जो सबसे छोटे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और प्यार चाहिए होता है जो इसको मिलता नहीं है जो इम्पोर्टेंस और प्यार इसको चाहिए ये जिस लड़के को बचपन से प्यार करती है उस लड़के से भी उसको प्यार नहीं मिलता है सो इन शॉर्ट शी इज़ लुकिंग फॉर लव एंड शी इज़ मिसिंग दैट लव शी इज़ लुकिंग फॉर और उसको लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है और कोई उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो वो डिज़र्व करती है इसीलिए वो गुमराह हो जाती है गुमराह इज़ लाइक अपनी ज़िंदगी की राह से गुमराह हो जाती है और वो सारी हरकतें करने लगती है जो आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए वो सारी हरकतें करने लग जाती है ज़मीन आसमान का अंतर है क्योंकि उत्तरन में एक घरेलू बहू उससे पहले बेटी जो बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही कल्चर्ड लड़की है हियर आई वुड नॉट से कि काव्या इज़ नॉट पढ़ी लिखी काव्या इज़ वेरी वेल एजुकेटेड शी स्पीक्स गुड शी हैज़ गॉट ऑल द टैलेंट शी लुक्स ब्यूटिफुल शी इज़ यंग शी इज़ स्मार्ट शी इज़ इंटेलिजेंट बट उसकी लाइफ को देखने की जो नज़रिया है वो आई थिंक सही नहीं है इसीलिए शायद वो सारी चीज़ें करती है जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए तो इसीलिए आई वुड से कि ज़मीन आसमान का अंतर है एंड इट्स वेरी डिफरेंट वैसे इस ये मतलब स्टोरी कैसी लगी और कितनी एक्साइटेड रही है पहली बात ये स्टार के साथ शो है सो दिस इज़ माय फर्स्ट शो विद स्टार प्लस आई हैव वर्क विद कलर्स लाइफ ओके जी बट आई हैव नेवर वर्क विद स्टार प्लस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टार प्लस माई फर्स्ट शो विद स्टार प्लस एंड सेकेंडली
Rajita explained me the whole our story writer, she explained me the whole track and the story. Iska jo suspense hai aur iska jo whole concept hai, ye bahut different hai. जो अभी तक हमारे हिंदी टेलीविजन में जो बनता है ना, सास बहू या पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नॉर्मल रोमांस, इससे बहुत डिफरेंट है. सो एंड द सस्पेंस इन इट, लाइक एवरी मोमेंट ऑडियंस विल फील कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग. तो उसका जो वो सस्पेंस कॉन्स्टेंटली बिल्ड है, बिल्ड किया गया है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी डिफरेंट. तो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट दिस शो. अच्छा, वैसे बात करी जाए कि सारे शोज मंडे टू फ्राइडे दिखाई देते हैं, तो ये सैटरडे संडे का है. यस, वीकली. कितना मतलब व्यूअर्स को रीच बन जाएगा? व्यूअर्स को आई थिंक काफ़ी खींच पाएंगे, क्योंकि हम बॉम्बे के लाइफ से सोचते हैं कि सैटरडे संडे होते ही ज़्यादातर यंग जनरेशन या लोग बाहर डिनर करने जाते हैं, पार्टीज़ करने जाते हैं या क्लबिंग के लिए निकल जाते हैं. बट एक्चुअली आप पूरे इंडिया को देखोगे तो ज़्यादातर लोग मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, काम करके आते हैं, और सैटरडे टू संडे बिल्कुल छुट्टी मनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ घर पर होते हैं, बीवी बच्चों के साथ, और रात को 7 बजते ही टी वी चालू करते हैं एंड टी वी देखते हैं. सो आई थिंक दिस शो सैटरडे संडे is a good thing and it will get a lot of viewers. So finally, viewers ke liye bhi kuch keh dijiye, kya message dena chahenge? Viewers ke liye yehi message dena chahungi ki aap apna weekend hamare sath enjoy kijiye. 25 february ke february se raat ko 9 baje Star Plus pe. Thank you. Thank you.